आप भी माइग्रेन के पेन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जाने कितने लोग इस पेन से बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सिरदर्द महसूस करते हैं और इसी वजह से वो बहुत सारे उपाय ढूंढने में लग जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप अपने माइग्रेन के पेन को कर सकते हैं छू मंतर। रोज एक बैलेंस्ड डाइट लें और खाना बिल्कुल टाइम पर खाएं। अगर आप खाना मिस कर रहे हैं तो आपके अंदर खून की कमी बन सकती है जो कि माइग्रेन पेन को ट्रिगर कर सकती है। रोजाना कम से कम नाना करते भी आपको 8 घंटे की नींद तो जरूर लेनी है, क्योंकि बिना नींद के भी ये दर्द बढ़ सकता है। एक्टिव रहें, आपको एक्सरसाइज का रूटीन बनाना चाहिए। दिन में अगर आप 30 मिनट भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और हफ्ते में 3 बार आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा, आपको स्ट्रेस भी कम होगा और साथ ही साथ आपके जो माइग्रेन अटैक्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। स्ट्रेस से दूर रहें। अगर आप माइग्रेन के पेन में लड़ाई कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, बल्कि लड़ाई को सुलझाएं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम MSG भी कहते हैं, इसे आप अपने खाने में कम कर दें, बिल्कुल इसे अवॉइड करें, जैसे कि चीज़, चॉकलेट, ज़्यादा कैफीन या फिर अल्कोहल, इन्हें अपनी डाइट में शामिल ना करें क्योंकि ये भी माइग्रेन अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं। खूब भर भर के पानी पीजिए। जितना आप पानी पियेंगे उतना ही आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपका माइग्रेन भी दूर हो जाएगा। मैग्नीशियम रिच फूड्स, अगर आप माइग्रेन से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सर बहुत बुरी तरीके से दर्द ना करे तो आपको अपनी डाइट में मैग्नीशियम को ऐड करना होगा, जैसे कि एवोकाडो, हरी सब्जियां, टूना, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें। कीटोजेनिक फूड्स, अगर हम कीटोजेनिक फूड्स को अपनी रेगुलर डाइट से कंपेयर करें तो ये आपके माइग्रेन अटैक को कम करने में ज़्यादा फायदेमंद है। हर्बल टीज, अगर हम चाय की बात करें तो ओवरऑल चाय से ही आपकी माइग्रेन का जो दर्द है वो कम हो सकता है, खासकर अदरक वाली चाय। माइग्रेन के पेन के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग। अगर आप दिन में 30 मिनट भी वॉकिंग, जॉगिंग या रनिंग जैसी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो आपका माइग्रेन का पेन एकदम छू मंतर हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके डिप्रेशन को दूर करेगा और आपको तरोताज़ा करेगा। एरोबिक्स, एरोबिक्स का मकसद ये है कि आपकी बॉडी में जितने भी लिगामेंट्स हैं, आपकी बोन्स हैं और आपके जो पार्ट्स हैं उनको वो स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ ये आपका स्ट्रेस भी दूर करता है। योगा, माइग्रेन के पेन को कम करने की एक और ये चाबी है जिसका नाम है योगा। अगर आप 5 से 6 बार योगा कर रहे हैं हफ्ते में तो ये ऐसा रिसर्च के मुताबिक बोला गया है कि आपको फील होगा कि आपके माइग्रेन जो है वो ट्रिगर नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ जो माइग्रेन की इंटेंसिटी है वो भी योगा कम करता है। तो ये थी कुछ माइग्रेन की टिप्स जिनसे आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी और अगर आपको माइग्रेन है तो वो चुटकियों में दूर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।